गाड़ी गाड़ी ड्रैप्टर ये एक ऐसी गाड़ी है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है जिसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और जो लुक्स के मामले में इंडेवर की एक पिकअप ट्रक वर्जन है लिटरली और लुक्स के मामले में यार बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है गाड़ी है मतलब मेरे को पर्सनली इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा बैटर लगी मैं लास्ट में इस वीडियो में कंपेयर करूँगा इसके कॉम्पिटिटर से ये इंडिया में लॉन्च होने ही वाली है बहुत जल्द और इसका प्राइस उनके आप शॉक्ड हो जाएंगे मतलब कहीं कहीं वेबसाइट में तो इसका प्राइस मोर देन वन सी जा रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट प्राइस दूंगा कि इस प्राइस में ये लॉन्च हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा बल्की है सॉलिड है और एक रगेड एस है मतलब पिकअप ट्रक लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं फॉर ड्रैप्टर के बारे में वीडियो को लास्ट तक देखना लास्ट में कंपैरिजन करा कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है इंडिया में और थोड़ा एक बाहर की एसयूवी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छी लगी तो लाइक कर देना सामने से आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक मिलती है यही सेम लुक आपकी कैरी फॉर्वर्ड होने वाली है इंडियावर में लेकिन वो थोड़ी स्लीक होगी लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा बल्क है जो काफ़ी सही लग रहा है और जो पीछे की तरफ है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसमें बड़े बड़ा फॉर ड्रैप्टर लिखा है और आपको काफ़ी डुअल एग्जॉस्ट का सिस्टम मिलता है बीच में आपको एक ट्विंग बार मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा सही है इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा सही है और इंटीरियर से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बतानी है तो वीडियो को एंड तक देखना आप लिटरली शॉकड होने वाले हैं उस चीज़ को देख के तो मतलब इस गाड़ी में ना आपको सब चीज़ें मिलती हैं मतलब बड़ी बड़ी व्हीलर की क्लैडिंग फोर्ड का खुद का मतलब पहले से ही ग्रेड में इंटीग्रेटेड आता है फो जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है लाइट्स मिलती हैं आपको मतलब आफ्टर मार्केट में आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है आपको हुड में काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड फ्यूज मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव लुक इसे देता है आपको बड़े बड़े ओ मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगते हैं आपको इसमें शायद से थ्री सिक्सटी कैमरा मिल सकता है थ्री सिक्सटी डिग्री क्योंकि मैंने मिरर के नीचे एक बम्प देखा था तो शायद से वो कैमरा ही हो लेकिन हाँ पॉसिबल है कि मिल सकता है आपको दो शांक फिन एंटीना मिलते हैं आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है और क्या बताएं यार इस गाड़ी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा सही है इसकी एल बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है थोड़ी रैप्टर की स्टीक मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी हाँ हुड में अच्छा लगा है रेप्टर लिखा हुआ थोड़ा थ्री है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है वो मतलब ये ओवरऑल एस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और इसके अलावा व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी सही है जो मकड़ी के जाले जैसा दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है तो अगर ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई तो एक ये मस्ट बाय कार हो सकती है प्राइस रेंज में आपको बताने वाला हूँ तो फटाफट से एक बार इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं कैसा है तो इंटीरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है आपको पैडल शिफ्टर्स मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पूरी डिजिटल एम मिलती है आपको इतना बड़ा हॉमरेस्ट मिलता है जिसमें आप लिटरली एक लैपटॉप रख सकते हैं जो काफ़ी सही है तो एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो वन प्लस जाने वाली है इंजन इसका थर्टी फोर हंड्रेड सी का होने वाला है ये टेन स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आने वाली है जो प्रोड्यूस करेगा आपका फोर फिफ्टी हॉर्स पावर एट सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी वन न्यूट्रन मीटर टॉक जो काफ़ी ज़्यादा है ग्राउंड क्लियर इसमें टू नाइनटी mm एम एम है जो काफ़ी सही है जिसका कब वेट है वो आपका चौबीस सौ किलो का है और जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपकी वन लीटर की जो काफ़ी ज़्यादा सही है जो इसकी ओवरऑल विर्थ है वो आपकी फो ट्वेंटी फोर हंड्रेड एम एम की है जो सही है जो इसकी हाइट है वो नाइनटीन नाइन्टी फोर एम एम है जो काफ़ी सही है तो एक बार बात कर लेते हैं इंटीरियर में जो ये गेयर बॉक्स है ये लिटरली पूरा नीचे को चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और पूरा आप इसको नीचे कर सकते हैं जो एक टेबल जैसी बना देगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक है इसका और एग्रेसिव लुक है और जो इसका आपका व्हील बेस है वो आपका थर्टी सेवन हंड्रेड का है और जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैंने बता दी टू नाइन्टी टू एम एम की जो काफ़ी ज़्यादा सही है सीट्स आपके पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है अब बात कर लेते हैं एक बार इसके कॉम्पिटीटर के बारे में तो जो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे पर्सनली मेरा फेवरेट फोर ड्राइफ्टर और रैम है जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है वो तो एक बार प्राइस देख लेते हैं जो फोर ड्राइफ्टर वो फिफ्टी टू की बाहर मिलती है लेकिन यहाँ आपको मोस्ट प्रोबेबली सेवेंटी की मिलेगी जो रैम है आपकी फ़िफ्टी टू से स्टार्ट है बाहर हाईलेक्स थर्टी फाइव से जो इजू का टॉप मॉडल है जो यहाँ नहीं मिलता है वो आपका फिफ्टी फाइव का है तो आज की इस वीडियो में इतना ही जो जो गाड़ी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना और वीडियो को एंड तक देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना टेल देन स्टे हेल्दी एंड गुड बाय